अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंडियन किचन। आज हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे, जो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। मावे को हम किसी भी मिठाई में या हलवे में यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/2 कप दूध है, 2 चम्मच घी है। बनाते हैं। हमने एक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर वो चिपकेगा नहीं। मैंने घी ऐड किया है, साथ ही दूध भी ऐड कर देंगे। हमारा दूध थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये दूध गर्म हो गया है, इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एक साथ डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें लम्स ना पड़े। बाकी का भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी इसमें लम्स है वो सब खुल जाए, ये स्मूथ सा बन जाएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है, 4 से 5 मिनट लगती है बनाने में। गैस को हम स्लो रखेंगे। चलाते रहेंगे, अगर चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर स्मूथ नहीं बनेगा ये। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बनाना होता है, खोया घर में नहीं होता, तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे तैयार होने में। जैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा तो पैन छोड़ देगा। हम कंटिन्यू इसमें चलाते रहेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं गाढ़ा होने लगा है, इसने पैन छोड़ दिया है। कुछ सेकंड में ये तैयार हो जाएगा। गैस को बंद कर देते हैं, इसे चलाते रहेंगे। हमारे इंस्टेंट मावा तैयार है। ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत अच्छा भी होता है। निकाल लेते हैं इसे, हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और 2 घंटे बाद यूज़ करेंगे। हमारा इंस्टेंट खोया तैयार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।